देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड 19 स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए अब तक ओमिक्रॉन के 214 से ज्यादा मामलों का पता चल चुका है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 57 मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र से 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18, केरल में 15, गुजरात में 14 मामले ओमिक्रॉन के दर्ज किए गए हैं। अब तक देश के 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह चेतावनी दी है कि कोरोना 3 गुना तेजी से फैलता है, इसीलिए अब सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। लेकिन इस खतरे के बाद भी देश में सावधानी नहीं दिख रही, यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्यों को अब तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह भी दी गई है। लेकिन पीएम की बैठक में कई सवालों पर निगाह रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इससे एक दिन पहले राज्य में इसके 11 मामले सामने आए थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन स्वरूप का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अब तक राज्य में इस स्वरूप के कुल 65 मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी मरीजों में से 35 को RT-PCR जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1 दिसंबर से कुल 1,50,153 अंतर्राष्ट्रीय यात्री राज्य में पहुंचे हैं। इनमें से 21,809 मरीज उच्च जोखिम वाले देशों से आए थे और सभी की RT-PCR जांच भी की गई। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा था कि देश में ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है और नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करने की बहुत जरूरत है। भारत में अब ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर आ चुका है। ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच पीएम मोदी की तो आज समीक्षा बैठक हो ही रही है, वहीं दिल्ली में भी लगातार बढ़ते केस के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश फिर से कोरोना पर सख्त नियमों की तरफ बढ़ेगा या सरकार ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वैक्सीन नीति में बदलाव करने जा रही है। दरअसल ओमिक्रॉन से पैदा हुई चिंताओं के बीच पीएम ने कल ही अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना को लेकर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम ऐसे समय में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब पूरी दुनिया कोविड संकट से गुजर रही है। हम भी इससे अछूते नहीं हैं। संकट ने हम सभी को नया सबक सिखाया है और मौजूदा ढांचे को तोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। ऐसे में आज सुबह आपको बता दें कि 11 बजे सचिवालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें संबंधित मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा भी होगी। ऐसे में देश में ओमिक्रॉन 15 राज्यों में फैल चुका है। 22 दिसंबर तक यानी कि कल तक 220 से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी है कि कोरोना 3 गुना तेजी से फैलता है और इसीलिए अब सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। इस खतरे के बाद भी देश में सावधानी नहीं दिख रही, यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्यों को लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ ही सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई है।